अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखा बना, ये है भक्ति की शक्ति। माँ की पवित्रता, उनकी सच्चाई, उनका प्यार, उनकी आस्था। हारा ये ताबीज सह नहीं पाया, उसने बसी सारी काली शक्तियां अम्बे माँ के स्पर्श से छू मंतर हो गई। मनी, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों से ये गंगा जमुना क्यों बह रहा है? अरे इन आंसुओं से पूछो, अगर किसी ने देख लिया तो आप क्या जवाब दोगी? मम्मी साहब देखो ना, विधि ने हमारा सारा काला जादू खत्म कर दिया। हाँ, हमारा मजाक उड़ाती हो तुम। बहुत हो गया चुप चुप कर वार करना। अब हम तुम्हें वापस वही पहुंचाएंगे जहां पिछले जन्म में भेजा था, भानुमती। ना बन्नी ना, इतना जोर मत लगाना, क्योंकि अगर हमने जोर लगाया ना, हरी नाजुक कलाइयां ये तोड़ के रख देंगे हम। थारे को जिन ताकतों पे इतना गुरूर था ना, वो थारे अंदर कभी था ही नहीं। वो सब थारे ताबीज में था, जो कि अब ना रहा। तो अब मुकाबला बराबरी का है। थारा सामना अब मारे से होगा। अब कोई धोखा, परेब, बेमानी नहीं। थारी नफरत का सामना मारे प्यार से होगा। तैयार हो जा हमारे प्यार से मात खाने के लिए। कितना दूर का सोच लेती हूँ तुम, बदमाश का दिखाई नहीं देता। सामने मौत खड़ी है, दो चार दिन की मेहमान हो तुम, लेकिन तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। हम ही भूल गए कि तुम तो बस चंद दिन के मेहमान हो। अब तो तुम्हारे अपने शरीर ने तुम्हारा साथ देना छोड़ दिया है, और तुम हो कि अबीर के साथ की जिद कर रही हो। तुम्हें क्या लगा था हमारा ताबीज तोड़ दोगी तो हमारी काली शक्तियां हमसे छीन लोगी? लगता है पिछला जन्म तुम्हें अच्छी तरह से याद नहीं आया। आदिनाथ से शादी करके हम कितने ताकतवर हो गए थे, भूल गई? इस जन्म में भी अबीर से शादी करके हम अपनी शक्तियां वापस पा रहे थे, और इतिहास अपने आप को फिर दोहराएगा। और अगर प्यार है तो मंगलसूत्र हो या ना, उससे कम नहीं होगा। आज हम अपने फर्ज में कोई कमी ना छोड़ेंगे। मारे को अपना फर्ज निभाने दीजिए। क्या सही और क्या गलत, हमारी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। वो विधि जिसने हमारी माँ हुकुम की जान लेने की कोशिश की, आज तिजोरी की चाबी हमारे हाथ में खुद थमा दी। आखिर ये लड़की है क्या, किस मिट्टी की बनी है? हम क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हैं ये सब चीजें सोचकर? जाकर उसी के मुंह से उसका सच सुनेंगे। ये देखो विधि, विधि उठो, विधि उठो।
तो बुखार है। विधि हमें हो क्या रहा है विजय? तुम्हारा और हमारा रिश्ता क्या है? नफरत का ही रिश्ता है ना, तो फिर क्यों हमें इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हें इस हालत में देख के? हमें तो सुकून मिलना चाहिए, लेकिन क्यों हमें दुख हो रहा है तुम्हें ये बुखार में देख के और से कांपते हुए देख के? आज तक हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, और आज तक हमें तुम्हारे लिए कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं आई। आज तक किसी ने हमारी रूह को इतना नहीं छुआ जितना तुमने छुआ। हर बार हमारी नफरत की दीवार तोड़ के तुम्हें ऐसे किसी मुश्किल में डाल देती हो। और क्यों तुम्हें इस तकलीफ में देख के हम पिघल जाते हैं? हमें कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा? जवाब दो विधि, कुछ तो बोलो। पन्नासा, ब्याह के फेरे लेते वक्त हमने एक दूसरे से वादा किया था एक दूसरे का ख्याल रखने का। आज आपने मारा ख्याल रख के मारे को पूरी जिंदगी दे दी। अब हम चैन से खुशी खुशी मर सकेंगे। आप अपनी असलियत से वाकिफ नहीं है। कि आप मारे आदिनाथ कुंवर साहब हैं, कि आप हमारे जन्म जन्म के साथी हैं। अगले 6 दिनों में हम कैसे भी करके आपको याद दिलाकर ही रहेंगे। घोड़े बेच के ना सोना हमारे से सीखे। कितने सारे काम है आज, क्या की तैयारियां करते हैं। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सुबह सुबह किसी जाने की जरूरत नहीं, सबकी नींद खराब करोगे बेमतलब। आजा
वरना सब वो नीचे इतने सारे काम है मारे को। वो हलवाई है ना, उसे सब्जी लेने भेजना, फूल वाले को बताने की कैसे सजाना है, और फिर पंडित जी को भी तो। चपर 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 पूरा टाइम बस बोलती रहती है। लेकिन बन्ना साहब, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहकर आराम करोगे बस। कल रात को तुम्हारी तबीयत कितनी खराब हो गई थी तुम्हें पता है? सचमुच विधि, हमने तुमसे ज्यादा गैर जिम्मेदार लड़की कभी नहीं देखी। ये शादी, ये तैयारियां, इन सब की कोई जरूरत नहीं, तुम यही रहो। क्यों जरूरत नहीं बन्ना साहब? आप तो शारा बन्नी से शादी करना चाहते थे ना, और वो दिन अब आ ही गया है, और मुझे तो आपके चेहरे पे कोई खुशी नहीं दिख रही। अंदर ही अंदर कौन सी बात खाई जा रही है आपको? उनको छोड़ के आपका मन सिर्फ मारे पे अटके रहता है, क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है, हम आज भी त्रिशाला से ही प्यार करते हैं और शादी उससे ही करेंगे। तो फिर कैसी बात है पन्ना सा? कल रात को आपने मारी तस्वीर बचाई, बन्नी सा की नहीं। और जब मारे सुहाग की निशानी, मारे साथ की निशानी, ये मंगल सूत्र जब हमारे गले से निकला, और जब ये वापस आया, तो इस जोर जबरदस्ती की शादी को वापस से नाम देने के लिए आपने इसे हमारे गले में क्यों सजाया, और फिर पंडित जी के सामने आपने मारा नाम क्यों लिया? बन्नी सा का क्यों नहीं? क्यों आप हमारी हर जिद सर मत्थे पे रखते हैं? हम यहाँ आपके कमरे में सोते हैं, आप कुछ नहीं कहते। बन्ना सा, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। आप क्यों मारे को कोई भी रस्म पूरी नहीं करने देते? आपको अपना प्यार सुशारा बन्नी को हासिल करने का एक मौका मिला है, फिर भी क्यों आप मारे पीछे चले आते हैं? आप जानते हैं ना बन्ना सा, हम यहाँ सिर्फ 6 दिन हैं। 6 दिन के लिए आपकी पत्नी है, इस हवेली की बहू। उसके बाद तुम्हारे को जाना होगा, सारे रिश्ते सारे नाते छोड़कर, और आप ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों बन्ना सा, बोलिए बन्ना सा। दिलों का जो बंधन होता है ना, वो जन्म जन्म का हो गया, और अगर आपका और त्रिशाला बन्नी का जो रिश्ता है वो दिल की तार से जुड़ा है, तो फिर आपके मन में मारे लिए इतनी फिक्र क्यों पनप रही है? कोई तो जवाब होगा ना इस बात का, क्यों मारा साथ थारे को भाने लगा है? क्यों मारा दूर जाना थारे को तड़पा रहा है? बताइए पन्ना सा। बन्ना सा, प्यार थारा और बन्नी का हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका दिल, आपका दिमाग दोनों सिर्फ मारे पर है। कभी कभी तो लगता है कि हमारा ये जो रिश्ता है ना, ये इंसानी सोच से भी आगे। इसे दोस्ती कहे या दुश्मनी या जो कुछ भी, हमें नहीं पता ये क्या है। हम जानते हैं कि जो कुछ हमें महसूस हो रहा है वो आपको भी हो रहा है। अगर आपको पता चल जाए कि ये क्या है, तो आप मारे को भी बता दीजिएगा। खैर, आप भी ना मारे को बातों में उलझा दिए, हम जाके तैयार हो जाते हैं, नीचे इतने सारे काम है मारे को। ये हो क्या रहा है? विधि का जाना इतना क्यों अखर रहा है? कहीं उसका कोई काला जादू तो नहीं? नहीं नहीं, हम नहीं मानते ये सब, लेकिन अगर ये काला जादू टोना नहीं है तो है क्या? हम तो नफरत करते ना उसे, तो अब ये कौन सा एहसास है जो धीरे धीरे हमारी उस नफरत को खत्म करने में तुला है? बुखार तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, कोई दवाई भी काम नहीं कर रही है। अंबे माँ, मारे से मिलने की इतनी जल्दी है? ये कपड़े, ये कपड़े, भैरव सा यहाँ आइए। जी बन्नी सा। भैरव सा, ये कपड़े अभी तक ऐसे क्यों पड़े हुए? आपका ध्यान कहाँ रहता है? वरना सब क्या पहनेंगे?
बन्नासा के सारे कपड़े आप ही धोते और इस्त्री करते हैं, इसलिए हमने इन्हें हाथ नहीं लगाया। हमारा मतलब हम यहाँ से जाने वाले हैं ना, तो हमारे जाने के बाद किसी ना किसी को तो बन्नासा का ख्याल रखना होगा। हम एक काम करते हैं, हम जो भी काम है ना, हम इस पासपोर्ट में वो बोल के दर्ज कर लेते हैं, आप वो सुन के फिर उनका ख्याल रख लेना, ठीक है? भैरव सिंह, आपको माँ हुकुम बुला रही है, आप वहां जाइए। क्या हुआ, रुक क्यों गई? तुम्हारे ड्रामा भी ना कोई टीवी सीरियल से कम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा ही है। खुद को इतनी इंपॉर्टेंस कैसे दे सकती हो तुम? तुम्हारे बिना हमारा काम चल रहा था, हम जी रहे थे, और तुम्हारे बिना हमारा काम चलेगा और हम जी भी लेंगे। समझ में आया? देख रहे, मारे जाने के बाद थारी जिंदगी बहुत रंगीन होने वाली है। हमने ऊपर दो अलग रंग के मोजे रखे, तो आप वही मोजे पहन के आ गए। एक बार देखा तक नहीं, हमारे ऊपर इतना निर्भर, इतना भरोसा करते हैं आप हमारे पर। बताइए ना बन्ना सर, बोलिए। हम विधि पे कब इतने डिपेंडेंट हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला। कौन सी सोच में पड़ गए? ऐसे एक बात कर, पति पत्नी की असली रिश्ते की बुनियाद यही होगी, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखना, एक दूसरे को सम्मान प्यार देना, यही तो होगी असली शादी। यही चाहती थी ना तुम? तुम्हारी जो चाल है कि हम तुम पे डिपेंडेंट हो जाए, हमें कोई चीज ना मिले, हमें कुछ काम हो तो तुम्हारा नाम पुकारे, विधि विधि कहाँ है, हमारा ये काम कर दो, वो काम कर दो, डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खाए तो तुम्हारे हाथ का खाना खाने की याद है, है ना? यही सब करना चाहती थी ना, और फिर हम जब तुम्हारे बिना रह नहीं पाए, तुम्हारे बिना काम नहीं कर पाए, तो तुम दौड़ी चली आओगी हवेली पे वापस, है ना? यही सब है ना तुम्हारा दी मास्टर प्लान? आज आपकी बात सच होती बन्ना सर, लेकिन भगवान का तो कुछ और ही इरादा है। इस बार जो हम गए ना, तो फिर हम कभी नहीं लौटेंगे। बहुत अच्छा होगा, बताना। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? ऑफिस भी नहीं रहे। लो, आप ऑफिस जा रहे हैं तो पिट्टी जनोई की रस्म वो कौन करेगा? देखिए, हमने सारी तैयारियां कर दी है, अब बींद ऑफिस में मीटिंग करेगा तो यहाँ पे पिट्टी की रस्म कौन पूरी करेगा? बन्नी सा से शादी करने का तो आपका सपना था ना, अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। तो क्या ये सब इस सब के रस्मों के चक्कर में अपना काम छोड़ दें, प्रोजेक्ट बंद कर दें? शादी तो क्या हुआ, अल्तू की बातें करा उस लड़की से। बन्ना सा, क्या है बन्ना सा, जहाँ चाह हो गए ना वहाँ रास्ता भी निकल आवे। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि आपके वो जो इन बजटर है ना, आप उनको बुला लीजिए, इससे आपका काम भी हो जाएगा और रस्म भी, है ना बढ़िया उपाय? हमें तो जो लग रहा था ना कि आपको बन्नी सा से शादी करने में कोई रुचि नहीं है। देखिए, आप जो भी करेंगे ना पूरे मन से कीजिएगा। हेलो गायत्री जी, हाय अभी रे, वो हम कह रहे थे कि मीटिंग का वेन्यू चेंज हो सकता है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली हम चाहते थे कि आप यहाँ हमारी हवेली में आएं और बाड़मेर की असली रंग देखें जी, तो आज शाम को हवेली में। थैंक यू। देख क्या रही हो, जाओ रस्मों की तैयारी करो, चलो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वाह
लेकिन नौकरों वाले काम बिल्कुल जचते हैं तुम पे। लाओ ये बोल हमें दो, अबीर की होने वाली पत्नी होने के नाते उनकी पिट्टी करने का हक भी हमारा ही। लाओ दो बोल। अरे हम कहते हैं बोल दो हमें। त्रिशाला पिट्टी वैसे दिख तो ठीक ही रही है, पर फिर भी तसल्ली कर लेना, वो क्या है ना किसी ने कुछ कर वरना दिया हो, और कहीं कोई एलर्जी वगैरह हो गई तो। काकी सा चुप चुप कर वार करना हमारी आदत ना है, हम जो करते हैं ना मुंह पे करते हैं, सीना ठोक के करते हैं। हे भगवान, चित भी इसकी पट भी इसकी। इस लड़की की हिम्मत देखो, हमेशा खुद कोई ना कोई कारनामे करती है और फिर सारा इल्जाम हमारी बेचारी त्रिशाला पे लगा लेती है। हमें यकीन नहीं होता कि आज कुछ नहीं करने वाली, बस भगवान करे कि आज ये हमारे बेटे की पिट्टी जनेऊ की रस्म में कोई बाधा ना डाले। ठीक कह रही आप मम्मी से। ए, तुम निकलो यहाँ से, बाकी सब हम संभाल लेंगे। चलो निकलो यहाँ से। हे अम्बे माँ, कोई चमत्कार दिखा कि बनीसा ये रस्म ना कर पाए, कि साबित हो जाए कि बन्नासा का जन्म जन्म के साथ हमारे साथ है, बनीसा के साथ नहीं।